ट्रेनिंग करते करते मेरे दिन कैसे बीते मुझे पता ही नहीं चला, और आखिर में मैं अफसर बन ही गया। और मेरा सौभाग्य देखो ना, मेरी पहली पोस्टिंग भी आई तो मेरा जिगरी दोस्त कुलदीप के साथ, और वो जगह थी जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला, जो अपनी खूबसूरती और अच्छी फसल की पैदावार के लिए जाना जाता है, जिसे कश्मीर का धान का कटोरा भी कहा जाता है। एक दिन जब सूरज अंगड़ाइयाँ लेते हुए बादलों से निकल रहा था और वादियाँ पहाड़ों से मिल रही थी, तभी हमारे पलटन में एक हाहाकार सी मच गई। हम वीर सपूत भारत माँ के तूफान उठाकर रख देंगे, भारत माँ की रक्षा के खातिर दिल जान लुटा कर रख देंगे। छाती इसकी है वतन हमारा, माटी इसकी है तिलक हमारा, इस माटी के खातिर हम सब खुद की पहचान मिटा कर रख देंगे, पहचान मिटा कर रख देंगे। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। बलिदान परमो धर्म, बलिदान परमो धर्म, बलिदान परमो धर्म। मेरी हालत तो एक जख्मी शेर के जैसे हो गई थी। मेरे साथियों और कुलदीप के मौत का बदला लेने के लिए मेरा खून खौल रहा था। कई बार जंग जीतने के लिए ट्रेनिंग से ज्यादा फौजी के जज्बात जरूरी होते हैं। कुलदीप की माँ से किया हुआ वादा मुझे सोने नहीं दे रहा था। हमने तो ठान ली थी अब ये हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मरेगा भी। पिघला दे हाँ जोश, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। पिघला दे जंजीरे, बना उनकी शमशीरे, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीर तो क्या, टूटी शमशीर तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर
हर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कुलदीप ने जैसे कहा था, चक्रव्यूह में घुसने से पहले कौन था मैं और कैसा था मैं, मुझे याद ही नहीं रहेगा। मैं वो जो मस्ती भरी स्कूल का बच्चा, एक जिम्मेदार फौजी भारत माँ का रक्षक कब बन गया पता ही नहीं चला। आज तेरा कर्ज फिर चुका के आया हूँ, अपने भाइयों का बदला लेकर आया हूँ। जाने कैसे दूं उनकी शहादत बेकार, जाने कैसे दूं उनकी शहादत बेकार। आज उन हत्यारों को सबक सिखा के आया हूँ, मोहब्बत के दिन दिया जिसने मुझे दर्द, आज उनकी हस्ती मिटा के आया हूँ। मजाल की कोई देखे मेरे देश को आंख उठाकर, आज उनके नामो निशा मिटा के आया हूँ, आज उनके नामो निशा मिटा के आया हूँ। आज हम जो देश के लिए शहीद हुए उनको सलाम करते हैं, अपने खून से इस जमी को सींचा उन बहादुरों को सलाम करते हैं। आज हमारे बीच भारत माँ की रक्षा में स्वर्णिम बलिदान हुए शहीद श्री जीत राम जी के परिवार के सदस्य उपस्थित हैं। श्री जीत राम जी जो सीआरपीएफ की 92वीं बटालियन में जवान के पद पर तैनात थे, ये राजस्थान के भरतपुर जिले के सुंदरवली गांव के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हुई आत्मघाती हमले में श्री जीत राम जी शहीद हुए। टुडे आफ्टर ऑल द परफॉर्मेंस एंड द स्किट ऑफ द शरद उत्सव, लेट अस पे ट्रिब्यूट टू मिस्टर जीत राम गुजर and all other martyrs of the Central Reserve Police Force. He belonged to Sundravali village of Bharatpur district. He was a CRPF Jawan who attained martyrdom on 14th February 2019 in a suicidal militant's attack on CRPF convoy at Avantipura district, Pulwama, Jammu and Kashmir. He has left behind his wife Shrimati Sundra Devi and two daughters Suman Kumari of age 2.5 years and younger daughter Icha Kumari of age 1 year. It was her birthday on this 6th October when she completed 1 year. Our condolences to the family. He was known for the motivating the boys in Sundravali village to join the defense and paramilitary forces and had himself signed up for serving the country in 2010. To pay tribute to Mr. Jeet Ram, let us all stand up and hold a candle in our hands with due respect and pride. I would like to invite all the teachers and staff to come on the stage and hold candles. Hey, mere vatan ke logo, zara aankh mein bhar lo paani, jo shaheed hue hain unki zara yaad karo qurbani. Hey, mere vatan ke logo, zara aankh mein bhar lo paani, jo shaheed hue hain unki zara yaad karo qurbani. Tum bhool na jao unko, isliye suno ye
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माता, सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं। For being with us today on the 8th Sharad Utsav of Mother Teresa World School. Today we have with us two special guests, Shri Vishwendra Singh and Shri Mahesh Gurjar. As you have all seen through the program, it was a dedication to the martyrs of the Pulwama attack. It is our privilege to have them here with us, the brothers of Shri Jitram Gurjar. Shri Jitram was one of the CRPF jawans who were martyred at the Pulwama attack. He was one of the youngest and his family is one of the most affected. He has left behind his wife and two very young daughters. The Pulwama attack had shook the nation and it was very painful to watch the stories of the martyrs on television. That is when we decided to make a small contribution to Shri Jitram. It started as a small effort, but to my surprise, my small students and very, very generous parents, including the contribution of my committed staff, collected a handsome amount of rupees 1 lakh. It is my honor to have the family of Shri Jitram Gurjar, our guests Shri Vishwendra Singh, Mr. Mahesh Gurjar and our trust member Shri S.P. Rajput on stage tonight. On behalf of Mother Teresa World School family, we would like to present a felicitation and contribution of rupees 1 lakh generously donated by our parents and staff and students. I request Shri S.P. Rajput to do the honors. Thank you, sir. Thank you. Dear parents, I would like to take this opportunity to thank you all from the depth of my heart for your generosity and for joining us here today for the 8th Sharad Utsav of our school. I appreciate our guests who came here all the way from Rajasthan to grace the occasion. I would like to thank all our invited guests and members of the media. It is with great love I thank my wonderful students who have worked and practiced for this event. A special thanks to Pratibha Academy Gandhinagar, Mr. Gaurang Rana and Bhavesh sir, whose choreography for the dance and skit was brilliant. I cannot forget my teachers, hostel staff and all other staff members
who were the guiding force behind the event. I thank our drivers, gardeners, kitchen staff and support staff who worked tirelessly to make this event a success. I express my gratitude to all our trust members for their constant motivation and support. I would like to thank the agencies who provided us with a stage, light, sound, the LED projector, the cameraman, costume providers, caterers. They are all working with us constantly. I am grateful to all who directly or indirectly contributed to this event. Last but not least, I would like to thank God Almighty, with whose blessings we could make this event a success. Now, I request all our parents and guests to arise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंग दिव्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय आजा नहीं है